Now we are going to discuss paper number 2, C foundation and part A, that is business laws. पेपर हमारे हिसाब से बिल्कुल एवरेज था, मतलब कोई भी नॉर्मल बच्चा इसको 40 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चंस भी काफी थे और जो इजी कंसेप्ट से उनसे भी क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे गए हैं। जैसे हमारा LLP से बिल्कुल डायरेक्ट था और कंपनीज एक्ट से तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, मतलब इतना डायरेक्ट क्वेश्चन में कभी आ सकता है वो कभी सोचा ही नहीं था। बट पेपर वॉज लिटिल बिट इजी, एवरेज ओके एवरेज भी था और बच्चा इसको अटेम्प्ट आराम से कर सकता है। जो तो पहले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं जिसमें बोला गया है, इसमें बेसिकली मैं आपको सबसे पहले इसका बताता हूँ, ओवरऑल बताता हूँ क्या है, कीवर्ड में क्या था। इसमें एक राधा थी लड़की, उसने अपने फ्रेंड्स को अपने 25th बर्थडे पार्टी पे इनवाइट किया और सभी 10 फ्रेंड्स ने उसको कंसेंट दे दिया कि हाँ हम आपकी बर्थडे पार्टी में आ जाएंगे, जिसपे विश्वास करके उसने एक हाई फाई रेस्टोरेंट भी बुक कर दिया और 5,000 रुपये उसको सिक्योरिटी अमाउंट के दे दिए। बट एट द टाइम ऑफ बर्थडे पार्टी उसके 3 फ्रेंड्स वहां पे नहीं आए और जिसके कारण जो राधा थी वो काफी एंग्रेड हो गई, एंग्रेड मतलब थोड़े से गुस्सा में आ गई वो। तो यहाँ पे ये पूछा हुआ है कि क्या जो हमारी राधा है वो अपने उन 3 फ्रेंड्स से अपना जो लॉस हुआ है वो रिकवर कर सकती है, नहीं कर सकती है। बेसिकली जो इसमें कंसेप्ट आना है वो हमारा आना है सोशल कॉन्ट्रैक्ट का। जो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, जिस टाइप के जो एग्रीमेंट बनते हैं वो हमारे सोशल या डोमेस्टिक एग्रीमेंट बनते हैं और ये वैलिड एग्रीमेंट नहीं माने जाते। इसलिए जो राधा थी वो किसी से भी कोई भी लॉस का अमाउंट रिकवर नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ द सोशल और डोमेस्टिक नेचर ऑफ एग्रीमेंट। इससे हमारा एक कंसेप्ट आ सकता है, कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग अ लीगल रिलेशनशिप। कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए कि वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करता हो, ना कि सोशल रिलेशनशिप। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1। इसका एक और पार्ट पूछा गया है, अगर न्यू ईयर सेलिब्रेशन होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, इट इज ऑल्सो ए सोशल इन्विटेशन, हेंस राधा राधास कंटेंशन इज नॉट करेक्ट फॉर रिकवरिंग द लोएस्ट अमाउंट फ्रॉम हर अमंग 3 फ्रेंड्स। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें जो आप एक कंक्लूजन में डाल सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी कैपेबल और क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप, और यहाँ पे जो सोशल रिलेशनशिप क्रिएट किया था इसलिए वो करेक्ट नहीं है। लेट्स कम टू द बी पार्ट। इसमें ये तो बहुत ही आसान पूछा हुआ है, इसने पूछा हुआ कि एसोसिएट कंपनी क्या होती है। जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है अपने कंपनीज एक्ट में, एसोसिएट कंपनी क्या होती है, मतलब एक होल्डिंग कंपनी जिसने 20% या 20% से ज्यादा किसी और कंपनी में होल्ड कर रखा हो तो उस दूसरी कंपनी को बोला जाता है एसोसिएट कंपनी, और 20% की लिमिट होनी चाहिए। अब क्वेश्चन हमारा क्या है, लेट्स सी। एबीसी लिमिटेड है, उसने 15,000 रुपए के 15 करोड़ रुपए के शेयर्स एक्स वाई जेड को लोड किए हैं और साथ में ही कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं वर्थ 10 करोड़ रुपीज, और आफ्टर दैट द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 100 करोड़। टोटल शेयर कैपिटल थी वो होगी हमारी 100 करोड़। तो इसमें जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि क्या वो कंपनी एसोसिएट कंपनी है या एसोसिएट कंपनी नहीं है। लेट्स बैक टू द सेकंड क्वेश्चन, कि जो एबीसी कंपनी थी उसने एक तो इक्विटी शेयर होल्ड कर रखे थे 15 करोड़ रुपीज के। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इसमें हमने डालना था कि जो एक्स वाई जेड लिमिटेड है वो एसोसिएट है या नहीं है, और एसोसिएट कंपनी की हमने डेफिनेशन डालनी थी। एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है, जहाँ पे होल्डिंग कंपनी ने 20% से ज्यादा टोटल वोटिंग पावर होल्ड कर रखा हो। टोटल वोटिंग पावर हमारी 2 चीज आती थी उसमें, पहली इक्विटी एंड सेकेंड हमारी थी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अगर ये दोनों मिला के 20% से ज्यादा हो तो वो एसोसिएट कंपनी मानी जाएगी और सामने वाली कंपनी होल्डिंग कंपनी मानी जाएगी। यहाँ पे एबीसी कंपनी ने लोड किए हैं शेयर एक्स वाई जेड को 15 करोड़ और 10 करोड़ की कन्वर्टेबल, यहाँ पे 15 प्लस 10 ही होगी 25 करोड़ और टोटल पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़। तो ये 25% हुआ, मोर देन 20%। हेंस यहाँ पे अगर आप ये लिखा होगी जो एक्स वाई जेड है वो हमारी होल्डिंग कंपनी और जो एबीसी कंपनी है वो हमारी एसोसिएट कंपनी, और इसमें हमारे जो एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन थी वो आपको एज पर स्टडी में डाल के आने थे कि 20% से ज्यादा टोटल वोटिंग पावर होना चाहिए, वोटिंग में हमारा इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कन्वर्टेबल होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। तो जिसने इसका कंक्लूजन गलत डाला है तो डेफिनेटली उसका ये लगाओ कि 3 नंबर या 2.5 नंबर उसके प्रोविजन के मिल जाएंगे,
एक नंबर मैक्सिमम कंक्लूजन का इसमें कटेगा अगर किसी कंक्लूजन गलत हुआ तो। एंड देन अपना सी पार्ट है इसका, मिस्टर ए कॉन्टेक्टेड टू सेल स्विफ्ट कार टू बी बोथ मीट टू डिस्कस द प्राइस ऑफ द सेट स्विफ्ट कार, लेटर मिस्टर रिफ्यूज टू सेल द स्विफ्ट कार ऑन बी ऑन द ग्राउंड दैट एग्रीमेंट वाज वॉइड बी अनसर्टेन अबाउट द प्राइस। यहाँ पे ये है कि मिस्टर ए था और मिस्टर बी था, इसने कार बेचने का वादा किया पर जो प्राइस था ना वो डिस्कस उन्होंने नहीं किया था, तो मुझे जो आंसर देना है वो देना है एज पर सेल ऑफ गुड एक्ट। सेल ऑफ गुड एक्ट में जो यूनिट 1-2 थी अपनी कंडीशन एंड वारंटी वाली, उसमें कंडीशन एज टू स्टिपुलेशन में एक बात पड़ी थी कि प्राइस फिक्सिंग की स्टिपुलेशन नहीं होती है, इवन दो प्राइस फिक्स ना किया गया हो फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते, बट उसको रिजनेबल प्राइस पे करना पड़ेगा। और इसका हमने पैरेलल प्रोविजन एक और पड़ा हुआ है एसर्टेनमेंट ऑफ प्राइस, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस ना दिया हुआ हो तो बायर को एक रीजनेबल प्राइस पे करना होता है। तो यहाँ पे क्या है, बी हैव राइट अगेंस्ट मिस्टर ए, यहाँ पे जो बी है वो अपनी कार डिमांड कर सकता है और एक रीजनेबल प्राइस उसको पे करना पड़ेगा, और जो मिस्टर ए है वो रिफ्यूज नहीं कर सकता। तो ये सिंपल सा काफी आंसर था इसका। और जो क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है वो तो डायरेक्ट क्वेश्चन है बिल्कुल, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट फाइल शूटिंग केस ऑफ ब्रेच ऑफ दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी डालना था हमें, दैट थर्ड पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, और उसके कुछ एक्सेप्शन थी वो हमें डालनी थी, जैसे इन केस ऑफ ट्रस्ट हो गया, इन केस ऑफ मैरिज हो गया, और दो चार पॉइंट उसके और थे वो हमें एक्सेप्शन में डालने थे। लेबिलिटी ऑफ LLP एंड इट्स पार्टनर इन केस ऑफ फ्रॉड, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर मान लो फ्रॉड हुआ तो LLP की और उसके पार्टनर्स की क्या लेबिलिटी होगी, ये हमारा प्रोविजन था कि अगर मान लो LLP ने या फिर उसके पार्टनर्स ने किसी थर्ड पार्टी के ऊपर कोई फ्रॉड किया है या फिर कैरेक्टर को डिफ्रॉड करने की कोशिश करी या फिर बिजनेस में कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज करी है, तो LLPs की और पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड से हटा के अनलिमिटेड कर दी जाएगी। इसमें सिंपल सी हमें एक बात लिखनी थी, और जो भी थर्ड पार्टी को जो भी कैरेक्टर को उस फ्रॉड से उस डेलीजेंटली फ्रॉड से या फिर डिसऑनेस्ट एक्ट से जो भी उसको नुकसान हुआ है डैमेज हुआ है वो थर्ड पार्टी को पे करना पड़ेगा। दो चीज आने थी इसमें, एक तो लाइबिलिटी हमारी अनलिमिटेड हो जाएगी और दूसरा थर्ड पार्टी को जो भी डैमेज हुआ है वो हमें पे करना पड़ेगा। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या था हमारा। देखो क्वेश्चन काफी इजी है कि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर इतना कोई हार्ड एंड फास्ट होता नहीं है, इसमें सिंपली हमें एक चीज डालनी थी, दो द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट मैंडेटरी बट अगर फर्म चाहती है रजिस्ट्रेशन करवाना तो प्रिस्क्राइब प्रोसीजर फॉलो करके वो अपनी फर्म को रजिस्टर करवा सकती है। वो प्रिस्क्राइब प्रोसीजर क्या था, जो हमारी फर्म है उसको कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स ROF को सबमिट करने थे, और उस डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या इंक्लूड होगा, सबसे पहले नाम, नेम ऑफ द फर्म हो गया, नेम ऑफ द पार्टनर्स हो गया, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ पार्टनरशिप हो गई, और एग्रीमेंट क्या था उनका, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज क्या थे और रूल्स एंड रेगुलेशन क्या थे, पार्टनरशिप डीड क्या थी, वो सारे डॉक्यूमेंट मिला के उनको ROF को सबमिट करने थे। और उसके बाद ROF को अगर सेटिस्फाई हुआ, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म अगर सेटिस्फाइड हुआ तो वो उस फर्म को रजिस्टर्ड कर देगा, अदरवाइज वो रिजेक्ट कर देगा। और अगर मान लो 2010 में कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई हो और 2021 में वो रजिस्टर करवा रही हो तो उसके ऊपर एक नॉमिनल पेनल्टी इम्पोज होती है ₹100 पर डे। बस आपको ये लिख के आना था, रजिस्ट्रेशन बहुत सिंपल सी बात है, कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हमें ROF को सबमिट करने हैं और ROF सेटिस्फाई हो गया तो रजिस्टर कर देगा, और ₹100 नॉट पर डे इट्स पर ईयर, ₹100 पर ईयर की पेनल्टी उसके ऊपर इम्पोज करेगा। बस ये क्वेश्चन था आपका पार्ट नंबर 8। देन पार्ट नंबर बी में पहला पूछा हुआ है, इम्प्लॉयर ने अपने इम्प्लॉय को इंड्यूस किया, प्रेरित किया कि वो जो अपना फ्लैट है वो लेस देन मार्केट वैल्यू ट्रांसफर कर दे ताकि वो उसको बाद में एक प्रमोशन दे पाए। आया समझ। पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं इम्प्लॉयर एंड इम्प्लॉय, सबसे पहले जो इंप्लॉयर ने इंप्लॉय के ऊपर इंड्यूस अप्लाई किया है ताकि वो लेस देन प्राइस पे उसको जो फ्लैट है वो सेल कर सके, इसमें जो हमारे कंसेप्ट अप्लाई होना है वो हमारा होना है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्यों, क्योंकि यहाँ पे रियल एंड अपेरेंट अथॉरिटी है, और जहाँ पे एक बंदे ने अपनी पोजिशन का गलत इस्तेमाल करते हुए जो इन्फीरियर पोजिशन पे पार्टी है उसको इन्फ्लुएंस किया हो और गलत फायदा उसका उठाया हो, वहां पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है और जो पार्टी एग्रीव्ड पार्टी होती है वो कॉन्ट्रैक्ट को रिस्क एंड कर सकती है। यहाँ पे क्या है, इम्प्लॉयर और इम्प्लॉई है, वहां पे इंड्यूस किया था इम्प्लॉयर ने ताकि लेस देन मार्केट वैल्यू पे फ्लैट सेल कर दे, और मिस्टर बी जो इम्प्लॉयज था उसने
इंड्यूस होके उसको फ्लैट सेल कर भी दिया था, और बाद में उसने अपना दिमाग चेंज किया और बोला कि वो उसको शू करना चाह रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको दो तीन चीजें बताना चाहूंगा। पहले तो आपको डालना था अंडी इन्फ्लुएंस का प्रोविजन, कि इन्फ्लुएंस क्या होता है, वेयर वन पार्टी यूजेस हिज डोमिनेंट पोजीशन टू सिक्योर अनड्यू एडवांटेज ऑफ अदर पर्सन एंड ड्यू टू द रियल एंड अपेरेंट अथॉरिटी। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई इज द टाइप ऑफ रियल एंड अपेरेंट अथॉरिटी। यहाँ पे एक बंदा दूसरे का फायदा उठा सकता है, और यहाँ पे क्या बी शू कर सकता है, नहीं कर सकता। यहाँ पे हम एक प्रोविजन और ऐड कर सकते हैं कि अगर उसने रीजनेबल टाइम में शू किया हो तो वो कर सकता है, अदरवाइज वो शू नहीं कर सकता, उसको कॉन्ट्रैक्ट मानना पड़ेगा। पर मैं यहाँ पे एज्यूम करके चल रहा हूँ कि उसने रीजनेबल टाइम में शू किया होगा, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्या था, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, और बाद में वो क्या बन जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट। एक सिंपल सा कंसेप्ट है दो नंबर का। उसके बाद हमारा था ये प्रोफेशनल या फिर पर्सनल स्किल्स का। यहाँ पे क्या था, एक मिस्टर एस था, उसने मिस्टर एम को प्रोमिस किया कि वो एक पिक्चर फ्रेम करेगा, पेंट करेगा बेसिकली 20,000 रुपए में, और 15 मार्च 2023 को उसकी डेथ हो गई। सॉरी, 15 मार्च को उसको पूरा करना था और 1 मार्च 2023 को उसकी डेथ हो गई। क्या मिस्टर एम बाइंड द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एस, क्या जो मिस्टर एम था कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, क्या जो मिस्टर एस जो डेथ हुई है जिसकी, उसकी लीगल हायर को बाउंड कर सकता है पेंटिंग बनाने के लिए? बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व है, और पर्सनल स्किल्स के कॉन्ट्रैक्ट हमने यूनिट 4 में पढ़ा था, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में, वहां पे पर्सनल स्किल्स के इन्वॉल्व है, तो वहां पे डेथ होते ही वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएंगे। तो दूसरा यहाँ पे है, अगर कुछ फोटोग्राफ्स डिलीवर करनी थी और पहले वो 10,000 रुपये पे कर चुका है, तो वहां पे इसमें पेंट की बात नहीं करेगी, इसमें सिर्फ कुछ गुड्स डिलीवर करने की बात करी गई है। यहाँ पे सही नहीं पूछा हुआ कि फोटोज वो पेंट करेगा, फोटोज क्या पता उसको ऑलरेडी रेडीमेड अवेलेबल हो, तो यहाँ पे लीगल हायर को वो बाउंड करवा सकता है वो फोटोज डिलीवर करने के लिए, अगर उसमें पर्सनल स्किल्स कोई भी इन्वॉल्व नहीं है। तो बेसिकली इसमें पर्सनल स्किल्स के 2 पॉइंट आने थे, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस वहां पे 0 हो जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा इन केस ऑफ डेथ ऑफ प्रोमाइजर, अगर उसमें पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व है तो। सेकंड केस में पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व नहीं थी, वहां पर इसका एंड नहीं होगा। एंड देन राइट ऑफ बायर्स, नेक्स्ट पॉइंट अपना पार्ट ए, राइट ऑफ बायर क्या है हमारे। देखो अगर मान लो जो सेलर है, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए क्या है अपना, राइट ऑफ बायर अगेंस्ट द सेलर, अगर मान लो सेलर ने कोई डिफॉल्ट किया हो या सेलर ने कोई अपना सेल पूरी ना करी हो, कोई प्रॉमिस पूरा ना किया, बायर के क्या राइट्स आते हैं, सिंपल से 4-5 राइट्स है, तो वो शो कर सकता है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, या जो उसने एडवांस पे कर रखा है उसके इंटरेस्ट के लिए शो कर सकता है वो, शूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो गया, शूट फॉर प्राइस हो गया, एंड शूट फॉर इंटरेस्ट हो गया, एंड ब्रेच ऑफ वारंटी हो गया, तो इस चीज के लिए वो राइट एक्सरसाइज कर सकता है। बहुत सिंपल टॉपिक था, राइट्स ऑफ बायर। एंड देन यहाँ पे पी क्यू आर तीन पार्टनर्स थे, जो आर है वो रिटायर हो गया विदाउट गिविंग पब्लिक नोटिस। सबसे पहले मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगा, कोई भी बंदा रिटायर होता है तो उसको पब्लिक नोटिस देना जरूरी होता है, अदरवाइज उसकी लाइबिलिटी एंड नहीं होती। पी ने एस को अप्रोच, पी अप्रोच एस एंड इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस फॉर परचेज ऑफ 25 फैंस फॉर हिज फर्म। अब पी है एक बंदा, उसने एस को अप्रोच किया कि वो 25 टेबल फैन उसको सेल करे, और पी ने ई को, एक एम्प्लॉय था उसका, उसको एज ए पार्टनर इंट्रोड्यूस कर दिया। यहाँ से कुछ लिंक कर पा रहे हो आप कि उसने अपने इम्प्लॉयज को एज ए पार्टनर इंट्रोड्यूस किया, तो कौन सा पार्टनर हुआ वो, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। और दूसरा यहाँ पे है एस बिलीविंग दैट, जो ई था ना जो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट था, और जो आर था रिटायरिंग पार्टनर, वो वहीं पे है, वो पार्टनर्स हैं, और उनके बेस पे उधार पे 25 फैन उनको दे दिए, और एस डिड नॉट रिसीव द पेमेंट ऑफ द फैन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड। एडवाइस करना है, एस पेमेंट रिकवर कर सकता है या नहीं कर सकता, वो बिल्कुल रिकवर कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे पहली बात आर को नोटिस देना था और वो नोटिस उसने नहीं दिया, जो ई है वो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट है, और होल्डिंग आउट की पूरी लाइबिलिटी बनती है, तो वहां पे ई और आर को भी शू कर सकता है फॉर रिकवरी ऑफ पेमेंट। ये लिखे तो यहाँ पे शू कर सकता है, ये बिल्कुल आसान टॉपिक था। इसमें से अगर कोई बंदा ये दो टॉपिक भी लिखा है तो आउट ऑफ 6 5 नंबर उसके कहीं भी नहीं गए। अच्छा अब दो नेक्स्ट अपना 5A, इसमें तो बिल्कुल आसान है, तो ऑप्शन सेल का मैं कंसेप्ट डालना था, तो बिल्कुल चिल्लर पॉइंट दिया हुआ ये। 7 मार्च को उसने ऑक्शन कंडक्ट करी और बाय फॉल ऑफ हैमर बेच दिया, 8 मार्च को प्राइस पे हुआ। क्या क्वेश्चन, क्या प्रोविजन था वो, व्हेन द ऑक्शन सेल विल बी कंप्लीटेड,
बाय फॉल ऑफ हैमर, तो यहाँ पे 7-3 को हमारी सेल पूरी हो जाएगी जब हैमर फॉल हुआ। उसके बाद अपना है फिफ्थ का बी पार्ट, फिफ्थ के ए का सेकंड पार्ट, सॉरी ये तो बहुत सही पॉइंट है, अपना स्टडी मैट का क्वेश्चन है बेसिकली, एज इट इज स्टडी मैट का क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टडी मैट का क्वेश्चन है ये। यहाँ पे जे ने के को सेल किया, के ने फिर एल को सेल किया, एल ने फिर एम को सेल किया, और जब एम ने देखा कि एल ने जो गुड्स बेचे हैं वो एज पर सैंपल नहीं है और उसने कॉन्ट्रैक्ट रिस्क का एंड कर दिया। अब यहाँ पे जो एल एंड के हैं वो रिस्क एंड करना चाह रहा है, और जे के एंड जे के बीच में जो है वो रिस्क एंड करना चाह रहा है। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि के और एल ये रिस्क एंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो रिस्क एंड नहीं कर सकते, रिस्क एंड सिर्फ एम कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि के ने और एल ने एक एक्ट ऐसा किया जिससे कि उनकी एक्सेप्टेंस शो हो गई, और उन्होंने जैसे फर्दर सेल करी है, जे ने के को सेल करी, के ने एल को सेल करी, और एल ने एम को सेल करी है, तो जो एम है ना वो फाइनल कंज्यूमर है, वो तो रिस्क एंड कर सकता है, बट जो एल और के हैं वो सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस दे सकते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट को रिस्क एंड नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन यही था, एम रिजेक्ट कर सकता है बट के और एल रिस्क एंड नहीं कर सकते, सिर्फ वो डैमेजेस ले सकते हैं। और फिर बहुत ही चिल्लर पॉइंट दिया हुआ है, तो कंपनीज एक्ट से ऐसा क्वेश्चन आएगा कभी उम्मीद नहीं थी कि इतना सिंपल, कॉर्पोरेट वेल क्या होता है और कब कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट हो सकता है, कॉर्पोरेट वेल की डेफिनेशन आनी थी इसमें, और वो चार केसेस आने थे, चार पांच केसेस आने थे जहां पे कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट हो सकता है, जहां पे कंपनी इनकॉर्पोरेट हो टू अवॉइड द टैक्स और टू फॉर्म द सब्सिडरी फॉर एन एजेंट और ट्रेडिंग विद एनिमी, ये कुछ पॉइंट्स है जो कि इसमें आने थे, वो आपको लिख के इसमें आना था, इसमें लगा लो पूरा का पूरा लिख के भी आई हो तो 5.5 नंबर बेसिकली इसमें दे देनी चाहिए, मतलब बिल्कुल फ्री के 5.5 नंबर है इसमें। एग्जैक्टली और फिर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो तो यार ये भी अनएक्सपेक्टेड ही था कि इतना आसान क्वेश्चन आएगा उसमें, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये बताने की जरूरत भी नहीं क्योंकि आप यूनिट 1 में पढ़ते हो, इसमें क्या है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, वो एनफोर्स नहीं हो सकते बट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कंसेंट ऑफ द पार्टी से एनफोर्स हो सकते हैं, और क्यों क्या होते हैं, इसका कारण क्या होता है, वर्ड कॉन्ट्रैक्ट चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस से होते हैं और वर्डेबल हमारे होते हैं सी यू एफ एम से, मान लो कोर्शन फ्रॉड अनड्यू इन्फ्लुएंस और मिस रिप्रेजेंटेशन से। फिर तीसरा आप ये लिख सकते हो उसमें परफॉर्मेंस, वर्ड कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो सकता है वर्डेबल, सॉरी वर्ड कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता बट वर्डेबल परफॉर्म हो सकता है, एक मीनिंग डाल सकते हैं इसमें, मीनिंग क्या होता है, वर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज दैट कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज सीज टू बी एनफोर्सेबल एंड वर्डेबल इज व्हिच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सी यू एफ एम एंड एनफोर्स्ड बाय वन पार्टी बट नॉट द अदर पार्टीज, और राइट इसमें क्या था, वर्ड में कोई भी राइट नहीं होता बट वर्डेबल में राइट होता है, वो कोर्ट में जा सकता है। अब हमारे व्हाट आर द राइट्स ऑफ पार्टनर्स विद रिस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ ए फर्म, अब पार्टनर्स की क्या राइट्स है फर्म को लेके, पार्टनर्स की क्या राइट्स होते हैं यार, कि अपनी ड्यूटीज को डेलीजेंटली फॉलो करे और जिस भी पार्टनर को इन्फॉर्मेशन मांगे ट्रू इन्फॉर्मेशन दे, ट्रू अकाउंट्स दे, फिर प्रॉफिट वो कमा रहे हैं तो प्रॉफिट उसको दे, जो भी मेटेरियल इन्फॉर्मेशन उनके पास आते हैं वो प्रोवाइड करे, ये सब कुछ पॉइंट्स थे जो कि इसमें लिख के आने थे, व्हाट आर द राइट ऑफ पार्टनर्स। एंड देन आवर फाइनल क्वेश्चन 6 क्वेश्चन सी पार्ट, स्मॉल कंपनी, स्मॉल कंपनी में एक बार अमेंडमेंट आई थी और उसका आना तो स्वाभाविक था, जिसकी पेडअप शेयर कैपिटल अप टू 4 करोड़ हो और टर्नओवर 40 करोड़ हो, वो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में आती है। यहाँ पे इसकी जो पेडअप शेयर कैपिटल वो 35 लाख और टर्नओवर है 2.5 करोड़, हेंस बोथ आर द विद इन द लिमिट ऑफ पेडअप शेयर कैपिटल एंड टर्नओवर, देन एबीसी लिमिटेड कंसिडर एज एन स्मॉल कंपनी। तो ये था अपना लो का आज का सजेस्टेड आंसर। तो बेसिकली आप तो मानो कि कोई बच्चा हल्का फुल्का, मतलब दो इसने एवरेज भी मेहनत करी है ना जिसने, तो उसके भी आउट ऑफ 60 35 to 40 मार्क्स कहीं भी नहीं गए जो एवरेज मेहनत करके गया है, और जिसने बढ़िया मेहनत करी है उसके लगा लो 50 मार्क्स आ जाने चाहिए। ओके अगर इन केस ऑफ एनी क्वेरी तो आप टेलीग्राम चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।